नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आज मेहरौनी कस्बा में पहुंची है। सबसे पहले तो आपका मेहरौनी की सरजमीन पर स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश में भी अब चुनावी सहभागिता जोरों पर देना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या कारण रहा है जो पूरे बुंदेलखंड में इकलौता प्रत्याशी मेहरौनी विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया है पार्टी द्वारा? देखिए, हमारा पार्टी का निर्णय था और हमने बुंदेलखंड क्योंकि सबसे ज्यादा आपका क्षेत्र में ज्यादा शोषण हुआ और हमने हमेशा देखा है कि इस विधानसभा क्षेत्र से बाहरी लोग चुनाव जीत के जाते हैं और जब वो चुनाव जीत के जाते हैं तो इस क्षेत्र के विकास को तो दूर की बात, यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी, यहाँ की जनता को भी नहीं पहचानती। इसलिए हमने यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी, एक ईमानदार व्यक्ति जिसने 40 साल की सेवा अपना जीवन में की उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के माध्यम से, उनको हमने अपना प्रत्याशी बनाया है, क्षेत्रीय प्रत्याशी है और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है और जिस प्रकार से हर गांव में उनको समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता दल यू यहां पर चुनाव जीतेगी। यहां पर बड़े बड़े राजनीतिक दलों के दिग्गज, ऐसे में एक साधारण सा प्रत्याशी है, क्या कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या लड़ने के लिए लड़ रहे हैं या जीतने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है कि हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं वो हमेशा जीतने के लिए लड़ते हैं। हम बिकाऊ नहीं है और किसी के दलाल नहीं है। हम यहाँ पे क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और मुझे प्रकार के लोगों को मकान मिल रहा है, लोगों का स्थानीय प्रकार जो प्यार मिल रहा है हमारे पिताजी को, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बिहार में आपकी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशी जा रही है, इसके पूर्व के चुनाव में आप सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी दल की भूमिका में रहे हैं, इस चुनाव में ऐसा क्या हो गया जो आप उसी सत्ताधारी दल के खिलाफ जहर उगलते नजर आ रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात मैं आपको पहली बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में जनता दल पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं जनता पार्टी जी। दूसरी बात, हमारा गठबंधन अगर किसी पार्टी के साथ बिहार में है तो हम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार में पहली बात तो हमारा गठबंधन जो है वो समाजवादी नीतियों से, हमारा गठबंधन जो है सामाजिक न्याय के साथ और हमारा गठबंधन जो है बिहार के विकास के साथ, इसमें जो भी हमें सहयोग करता है हम उसका सहयोग लेते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य और उद्देश्य और नियत तीनों पूरी तरह साफ। चलिए, बहुत बहुत